हेलो राधे राधे दोस्तों। देखिए, मैं राहुल कुमार चाहर आज आपको एनसीईआरटी, जो आपका 10th क्लास का एनसीईआरटी जो मैथ है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 8.8 के कुछ सवाल कराऊंगा। जैसे उसने पहली और दूसरी और तीन तीनों एक्सरसाइज में हमने आपको इनसे संबंधित सभी फॉर्मूले बताए थे। अब देखिए, ये सवाल हैं, ये कैसे हल होते हैं। जैसे हमें पहला सवाल दे रखा है, उसने पहला सवाल कहा है कि त्रिभुज एबीसी में, यानी हमारे पास एक सम त्रिभुज है जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। यानी समकोण का मतलब हो गया 90 अंश, यानी बी का जो मान होगा वो कितना है, 90 अंश है। जिसमें ए बी एक भुजा है जो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, और एक भुजा है बी सी वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ये निम्न के मान ज्ञात करने, साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, ऐसा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 अंश होता है। कितना होता है, एक कोण का मान 90 अंश होता है, और शेष दो कोण कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो इसने हमसे कहा है बी कोण कितना है, 90 अंश है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, यानी बी कोण समकोण का है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब देखिए इससे आगे, जैसे अब हमें ए और सी लिखने हैं। अब ए और सी हम अपनी मर्जी से यहां भी ए लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, और यहां सी लिख दें, या यहां। तो ए और सी, ये हो गया। अब इसने कहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी कहां है, ये रही हमारी, ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर है हमारी 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारी बी सी होगी। तो हमें ए सी का मान निकालना है, पहले किसका मान निकालना है, ए सी का। तो हम यहां से ए सी का मान निकालेंगे, तो ए सी क्या हो गया हमारा, कर्ण हो गया। एसी क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। अब देखिए, एसी का स्क्वायर बराबर होता है एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। हमें एसी की वैल्यू निकालनी है, एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर। एबी कितनी है हमारी, 24, 24 का स्क्वायर प्लस बीसी कितनी है, 7, तो 7 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर आपको, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576 प्लस 49। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 15 की 5 हासिल 1, 11 और 1, 12, 625। यानी हम यहाँ से ए सी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा। यानी ये हमारी जो साइड है वो कितनी आ गई, 25 आ गई। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है, फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट में निकालना है हमें साइन ए की वैल्यू। साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। अब देखिए, यदि हम इन्हें इसी हिसाब से लेके चलेंगे, लंब बटे कर्ण, तो यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। लेकिन 24 नहीं होगा, क्योंकि हम कोण कौन सा ले रहे हैं, ये ए ले रहे हैं। तो इस कोण के सामने की ये भुजा है, ये किसका काम करेगी, लंब का काम करेगी, और ये जो भुजा है ये किसका काम करेगी, आधार का। तो इसके लिए अभी से ये ऐसे नहीं होगा, यानी कोण ए के लिए ये किसका काम करेगी, लंब का, और ये किसका करेगी, आधार का। तो साइन ए बराबर, साइन ए लंब कितना है हमारा, लंब कितना है, 7, कर्ण कितना है, 25। तो साइन ए का मान कितना हो गया, 7/8। ऐसे ही हम कॉस ए का मान निकालेंगे, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण, नीचे क्या होता है, कर्ण। तो देखिए कॉस ए बराबर आधार की वैल्यू, ये आधार का काम करेगी, तो कितनी होगी, 24/25। ये हमारे फर्स्ट के दोनों निकलाए। अब देखिए सेकंड, सेकंड कैसे करेंगे, सेकंड करेंगे तो सेकंड में क्या पूछा है, उसने साइन सी पूछा है। तो साइन सी यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, तो ये किसका काम करेगी, लंब का, और ये किसका करेगी, आधार का। तो क्या साइन सी बराबर क्या होता है, एल बटे के। तो साइन सी बराबर लंब, लंब का काम सी वाले कोण के लिए ये करेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 24/25। और कॉस सी, कॉस सी बराबर आधा कितना होता है, आधार बटे कर्ण, यानी ए बटे के। तो हम यहां से मान निकालेंगे, तो कॉस सी की वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए आधार का काम ये करेगी, यानी कितनी आ जाएगी, 7/25। अब देखिए यदि ये कोण चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ ए है और यहाँ सी है, यहाँ ए है यहाँ सी है, जब ये कोण चेंज हो जाएंगे तो इनके मान भी चेंज हो जाएंगे। जैसे पहले यहाँ ए था तो ये वैल्यू किसमें थी, साइन में थी, जब यहाँ सी हो गया तो ये वैल्यू किसमें हो गई है, कॉस में हो गई है। यहाँ क्या है, कॉस ए है, यहाँ क्या है, कॉस ए है। तो ये ए थे सी हो गया, तो यही वैल्यू कॉस ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई है,
साइन सी के। तो हमें ये याद रखना है कि हमें ये वाला कोण लेना है या ये वाला, या जिस कोण को हम लेते हैं उस कोण के सामने की भुजा हमारी क्या, जिस कोण को लेते हैं उस कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और वैसी भुजा जो होती है उस क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। जैसे अब ये इसमें सबसे पहले हमें पी आर की वैल्यू दे रखी है और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है और ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो उसने हमसे पूछा है टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें टेन पी एक बार पी ले रहा है तो ये लंब का काम करेगा और ये आधार का, एक बार आर ले रहा है तो आर ले रहा है तो ये लंब का काम करेगा और ये आधार का। तो सबसे पहले हमें इसकी जरूरत है क्यू आर निकालना है, हमें क्या निकालना है क्यू आर। तो देखिए ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब हमें यहां से क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर का वर्ग बराबर क्या होगा, पी आर का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी आर कितना है 13 का वर्ग माइनस ये कितना है 12, तो 12 का वर्ग। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। यानी यहां से देखिए हमने पाइथागोरस की प्रमेय लगाई, तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमने यहां से आधार का वर्ग निकालना है, तो आधार बराबर हो गया कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण की वैल्यू कितनी है 13 और लंब की वैल्यू कितनी है 12, तो दोनों का हम वर्ग 13 का वर्ग करेंगे 169, 12 करेंगे तो 144। तो क्यू आर का स्क्वायर इसमें से इसे घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 25, और ये 25 बचेगा तो हम यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी 5 आएगी। यानी ये वाली भुजा जो है वो हमारी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें मान निकालना है किसका, टेन पी माइनस कॉट आर का। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, टेन पी निकालेंगे। तो टेन थीटा और आर क्या होता है, टेन थीटा और आर होती है एल बटे ए, यानी लंब बटे आधार। तो यहां से हम टेन पी का मान निकालेंगे, तो टेन पी बराबर इसके लिए लंब का काम 5, लंब का काम 5 और आधार का काम 12। यानी लंब का काम क्या करेगी, क्यू आर करेगी और आधार का काम क्या करेगी, पी क्यू करेगी। ये हमारी टेन पी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, कॉट आर, कॉट आर, कॉट आर, कॉट आर बराबर क्या होता है ए बटे एल, यानी आधार बटे लंब। अब देखिए कॉट आर, आर के लिए ये लंब का काम करेगा और ये आधार का, तो कॉट आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, तो 5/12। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू निकालनी है हमें टेन पी माइनस कॉट आर बराबर क्या हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ टेन पी का मान रखेंगे, तो टेन पी की वैल्यू कितनी है हमारी 12/5 माइनस। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉट पी, कॉट आर की, कॉट आर की वैल्यू कितनी आई है 5/12, तो ये कट गया इससे, तो कितना हो गया 0 हो गया। यानी टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब जैसे आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में गए, तो उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर है आपका कितना 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकाली। तो देखिए सबसे पहले ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, समकोण त्रिभुज तो बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज तो बन रहा है, लेकिन अगर ये यहाँ 3 की जगह कितना हो जाए 5 हो जाए, तो ये पाइथागोरस की त्रिक है वो बन जाएगी 3/4/5। लेकिन अब नहीं बन रही है ये, क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो ये संख्या किसमें आएगी, अंडर रूट में आएगी। तो इसे इसके लिए देखिए ये कितनी है साइन ए, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस ए की। तो एक फॉर्मूला बताया था, होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस की, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहां से कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू कितनी है 3/4, तो स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का कितना हो जाएगा 16। तो यहां से हम कॉस स्क्वायर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 7/16, भाई 16 एलसीएम आएगा, 16 यहां आएगी, 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7। अब यहां से हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों पक्षों का क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल, तो ये तो अंडर रूट 7/4, क्योंकि 16 को अंडर से बाहर निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, टेन की, तो टेन ए बराबर क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए। तो यानी टेन ए की वैल्यू निकालनी, तो साइन की वैल्यू कितनी है हमारी 3/4 और ये कितनी है √7/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितनी बची गई टेन ए बराबर 3/√7। कितनी बच गई टेन ए की वैल्यू, कितनी आ गई 3/√7। देखिए ये पहला सवाल हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब देखिए चौथा सवाल, इसके लिए हम देखेंगे चौथा सवाल।
चौथा सवाल क्या कह रहा है उसको देखिए, देखिए अब हमें यहां से देखना है क्वेश्चन नंबर चार। देखिए क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, वो कह रहा है 15 cot A = 8। यानी उसने कहा है 15 cot A = कितना है, 8 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए और सेक ए की। तो इसने कहा है 15 cot A = 8, तो उसने कहा है साइन ए बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क, और सेक ए बराबर क्या है आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा है 8 15, कितना है 8 15। तो सबसे पहले हम यहां से कॉट ए का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8/15। यानी यहां से हम कॉट ए का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8/15। कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आपका ए बट्टे एल, यानी आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब तो हमें यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो हम यहां से हम कर्ण निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, यहां हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, यहां सी मान लिया और यहां ए मान लिया। इसमें जब कोई वैल्यू फिक्स नहीं किया तो कौन सा कोण समकोण है, तो हम कोई से भी कोण को समकोण मान सकते, बस ए को छोड़ के, किसको छोड़ के, ए को छोड़ के। अब देखिए ए हमने यहां माना है, हमने ए कहां माना है, यहां माना है, तो उसने कहा है कि कॉट ए, कॉट ए बराबर कितना आ रहा है 8/15। तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब हो गई, तो ये कितनी हो गई 15 हो गई और ये कितनी हो गई 8 हो गई। अब हमें ये निकालनी है ए बी, तो कर्ण का, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका ए बी सी प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का वर्ग प्लस ए सी की वैल्यू कितनी है 8, तो कितना हो गया 8 का वर्ग। अब हम यहां से देखेंगे, तो सबसे पहले ए बी स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग कितना हो गया 225 प्लस 8 का वर्ग कितना हो गया 64। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 289, और यहां से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 17, यानी ये क्या होगी 17 होगी। अब देखिए पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार हमें ये देखना है 8 15 17। अब सबसे पहले हम सूत्र किसका मान पूछा, हमसे साइन ए की वैल्यू पूछी है, तो हम यहां से किसका मान निकालेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है एल बटे के, यानी साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, साइन ए लंब कितना है, यहां से देखिए लंब, ये लंब हो गया कितना है 15, कर्ण कितना है 17, तो साइन ए का मान कितना होगा 15/17। अब उसने क्या पूछा है सेक ए का मान, अब सेक ए का मान क्या होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे कॉस का उल्टा का, तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहां से सेक ए, सेक ए, सेक के लिए कर्ण की वैल्यू कितनी है 17 और आधार की वैल्यू कितनी है 8। तो हमें किसकी वैल्यू पूछी थी, साइन ए की और सेक ए की वैल्यू पूछी थी। तो सबसे पहले हम यहां से कॉट ए का मान निकाला, हमने कितना हो गया 5/8। कॉट ए की वैल्यू निकालने के बाद में हमने देखा ये आधार हो गया और ये क्या हो गया लंब, तो यहाँ आधार और यहाँ लंब। अब हमें कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग यानी इसका वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बीसी की वैल्यू दे रखी थी 15 और एसी की वैल्यू दे रखी थी 8। 15 का वर्ग कितना हो गया 225, 8 का कितना हो गया 64, दोनों को प्लस किया कितना हो गया 289, 289 किसका वर्ग होता है 17 का। अब हमने यहां से देखा साइन ए की वैल्यू पूछी थी हमसे, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, देखिए साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, और कॉस ये निकाला तो लंब की वैल्यू कितनी है 15, कर्ण की वैल्यू कितनी है 17, तो 15/17। अब इसने पूछा सेक ए का मान, तो सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू कितनी है 17 और आधार की वैल्यू कितनी है 8। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका कि sec a बराबर 12/13, यानी sec थीटा की वैल्यू दे रखी है आपकी 13/12। sec थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात, यानी हमें साइन का भी मान निकालना है, कॉस का भी निकालना है, टेन का भी निकालना है, कॉट का भी निकालना है, और sec का देगा cosec का भी निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है ये क्या है, sec थीटा है, क्या है sec थीटा, sec थीटा वाला क्या होता है k/a, यानी कर्ण कितना हो गया 13 और आधार कितना हो गया 12। पाइथागोरस की प्रमेय बनती है 5 12 13, कितनी बनती है 5 12 13, यानी यदि आपको दे रखा है 12 और 13 दे रखा है तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, समकोण त्रिभुज में 5 हो जाएगी। यदि 13 और 5 दे रखा है तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी 12, और 5 और 12 दे रखा है तो
तो कितनी हो जाएगी 13, यानी ये पाइथागोरस की जो ट्रिक बनती है वो बनती है 5 12 13, 5 12 13। तो हमने यहां से देखा तो हमारी लंब की वैल्यू एल कितनी आ गई, हमारी 5 आ गई। सबसे पहले ये sec थीटा दे रखा है उसने, अगर इससे निकालनी है 5 12 13 से तो इससे निकाल लो, समकोण द्विभुज बना के निकालनी है तो उससे निकाल लो, और डायरेक्ट निकालनी तो देखिए डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये कितनी है sec थीटा है, तो अब इस sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 cos थीटा यानी 12 13। अब इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो cos थीटा क्या पहुंच जाएगी ऊपर, तो कितना आ जाएगा 12 13, तो cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कितना हो गया 12 13। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है sin थीटा की, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos² θ, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos² θ। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा 169 एलसीएम आएगा, और 169 - 144, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया 25 बटे 169, तो साइन थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आ गया 5 बटे 13, एक इसका मान आ गया साइन थीटा का। अब ये साइन थीटा का मान आ गया, अब हमें किसका निकालना है टेन थीटा का, तो क्या करेंगे टेन थीटा के मान में टेन थीटा वाला क्या होगा आपका टेन थीटा वाला हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है 5 बटे 13, और कॉस थीटा का मान कितना है 12 बटे 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो टेन थीटा वाला क्या हो जाएगा टेन थीटा वाला हो जाएगा आपका कितना 5 बटे 12। अब देखिए टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, किस क्या होता है लंब बटे आधार, हमने बताई थी 5 12 13, तो ये तो कर्ण हो गया, ये तो कर्ण हो गया, 12 क्या हो गया आधार हो गया, तो 5 क्या हो गया लंब हो गया, तो लंब बटे आधार हो गया, ये किसकी वैल्यू निकली टेन की। अब देखिए sec की दे रखी थी, cos की हमने निकाल ली, sin की निकाल ली और tan की निकाल ली, अब हमें किसकी निकालनी है cot की, तो इसका लिख दो 1 बटे cot थीटा बराबर 5 बटे 12, उल्टा कर देंगे तो cot थीटा वाला कितना हो गया 12 बटे 5, cot की वैल्यू निकल गई। अब क्या रह गया cosec, तो cosec वाले के लिए sin थीटा बराबर कितना लिखा है हमने 5 बटे 13, इसका उल्टा कर इसे नीचे लिख दो 1 बटे sin थीटा बराबर 5 बटे 13, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये ऊपर, एक सेकेंड ये क्या किया देखिए, अब यहां से साइन थीटा वाला कितना होता है साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी, साइन थीटा की वैल्यू निकली 5 बटे 13, साइन थीटा वाला 5 बटे 13, इसको लिख दें 1 बटे cosec थीटा। अब यहां से हम cosec थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो cosec स्क्वायर थीटा वाला आ जाएगा 13 बटे 5, यानी साइन के मान का क्या हो जाएगा उल्टा। देखिए एक वैल्यू दे रखी थी उससे हमने सभी निकाली, यानी यहां से sec की दे रखी तो ये फर्स्ट होगी किसकी cos की निकाल ली, ये सेकंड किसकी निकाल ली साइन की निकाल ली, ये थर्ड किसकी हो गई टेन की हो गई, और ये फोर्थ cot की हो गई, और ये सिक्स नंबर किसकी हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर किसका हो गया ये cosec का हो गया, और sec की वैल्यू आएगा ये उसने पहले से ही दी थी। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे ए और बी, देखिए ये सरल है। अगला देखिए सातवां क्वेश्चन, से छठवां क्वेश्चन है वो सेम इन्हीं की तरह है, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है आपका cot थीटा बराबर, सातवां क्वेश्चन कह रहा है आपका cot थीटा, देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका कि cot थीटा बराबर कितना दे रखा है 7 बटे 8, cot थीटा बराबर दे रखा है आपका 7 बटे 8, तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 - sin θ / 1 - cos θ और 1 + sin θ, और इसी के साथ नीचे है 1 + cos θ, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखिए या तो यहां से cot की वैल्यू दे रखी है, cot की वैल्यू दे रखी है, तो इससे हल करके या तो वैल्यू निकाल लो sin और cos की, या फिर इसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - sin²θ, क्योंकि ये वर्गांतर बन रहा है a² - b² आपका a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b और a - b, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है एक कोष्ठक में जोड़ लेते हैं और एक में घटा देते हैं, तो ये बन जाएगा एक का वर्ग एक ही रहेगा ये बन गया, और ये बन जाएगा 1 - cos²θ, क्या बन जाएगा 1 - cos²θ, ये जो हो जाती है
के और वाली वैल्यू आपकी और आ जाती है साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसे हम हल कर साइन इसे लिख लूंगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इस सबरे का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है आपका कॉस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी देखिए 7 बटे 8, इसका वर्ग कर देंगे 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। देखिए ये सातवां क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है, आठवां क्वेश्चन है जो सेम इसी की तरह है। उसने कहा है 3 cot थीटा बराबर 4, 3 cot थीटा बराबर 4, तो हमें वैल्यू निकालनी 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। देखिए आठवां क्वेश्चन जो कह रहा है वो आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए देखिए आठवां आपका क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है 3 cot थीटा बराबर 4। यहां से हम cot थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, cot थीटा का मान कितना हो जाएगा 4/3। उसने हमसे वैल्यू पूछी है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू दे रखी है cot की, तो हमें tan की वैल्यू निकालनी है। तो tan की वैल्यू के लिए इसके मान को क्या कर दें उल्टा कर दें ऊपर को नीचे नीचे वाले के ऊपर, तो ये tan की वैल्यू हो जाएगी तो हमारा यहां से निकलेगा 1 माइनस tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 9/16 बटे 1 प्लस के tan थीटा का मान 3/4 होगा, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/16। अब देखिए ये भी 9/16 और ये भी ऊपर 16 क्या आएगा LCM, तो 16 माइनस 9 बटे नीचे भी 16 LCM आएगा, LCM से LCM कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16 प्लस 9, 16 में से 9 गए तो कितना बच गया 7 और ये कितना बच गया 25, तो कितना हो गया इसका आंसर 7/25। इसका आंसर कितना हो गया 7/25। अब देखिए इसमें आपके दो तीन सवाल और रहेंगे वो सेम इसी बेस पे आधारित हैं, उन्हें आप स्वयं करेंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है कि ये आंसर नहीं इसका वो नहीं आया।